Sunshine Red Fox. मिर्गी एक काबिले इलाज मर्ज है। मुझे मिर्गी है तो क्या हुआ, मैं तो तंदुरुस्त बंदे से अल्लाह मुझसे ज्यादा से ज्यादा काम ले रहा है। इन्हीं साफ फरमाते हैं कि उन्हें पिछले 50 साल से मिर्गी है। मिर्गी का दौरा किसी भी वक्त और किसी भी जगह पड़ सकता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मिर्गी का मर्ज जिन, भूत, काला जादू या गायबाना असरात की वजह से होता है। लोग मरीज को जूता सुंघाते हैं या उसका इलाज तावीज गंडे से करवाते हैं, जो इसका इलाज नहीं है। मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? जैसे बिजली की तारें आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और वक्ती तौर पर निजाम गड़बड़ हो जाता है, कुछ इसी तरह का अमल दिमाग में होने से दिमाग वक्ती तौर पर माउफ हो जाता है और जिस्म में झटके पड़ सकते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक टेप के इस्तेमाल से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट का अमल रोका जाता है, बिल्कुल इसी तरह मिर्गी की दवाएं दिमाग में होने वाले बर्फ के इंतजार को रोकती है। मिर्गी वाले लोग हर किस्म के काम कर सकते हैं और बच्चे आम स्कूलों में पढ़ सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं है इस बीमारी में। आपको भी इस बीमारी को जानते हुए होते हुए कोई काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए, पूरे का पूरा काम करना चाहिए, दवा नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह दुनिया की तारीख में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मिर्गी होने के बावजूद बहुत से कारहाए नुमाएं अंजाम दिए। मिसाल के तौर पर शहंशाह सिकंदर आजम, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, अल्फ्रेड नोबल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स। ये बात वाजह है कि मिर्गी वाले लोग हर तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं। याद रखिए, मिर्गी के इलाज के लिए तजवीज करदा दवाओं को पाबंदी के साथ और लंबे अरसे तक लेना जरूरी है।